शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मुझे 2 साल तड़ी पार क्या कर दिया? नहीं, साथ उस सलाया का दादा बन गया। और किधर है अंधोनी? नहीं बाप। रघु, ये बचेला बाटली भी फोड़ डाल और 780 रुपए आठ आने का हिसाब भर दे। तो यार कब से अंधोनी नगर बना डाला है? अरे पुलिस तेरे को तड़ी पार करके जामनगर फोड़ा डाला, अपन इधर एंथनी नगर बना डाला। बोल है कि नहीं? नहीं बोले। चले बाटली फोड़ा, माल निकाल। मुझसे माल लेगा है? अबे तेरे से तो क्या, तेरे बाप से भी माल लेगा। कचरे को कचरे के साथ डाल देना कचरे की नाली में। जय जय सुभान अल्लाह अंतुनी भाई, सुभान अल्लाह। शहर साफ करो के पहले नारे के साथ ही तुमने बस्ती की सारी गंदगी दूर कर दी। बहुत अच्छे, अल्लाह करे इन बाजुओं का जोर बढ़ता जाए और शहर के सारे गुंडों का जोर घटता जाए। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम है किधर आजकल, दिखता ही नहीं। अरे क्या करे अंतुनी भाई, कव्वाली की तैयारियां कर रहा था, पास लेने तक का वक्त नहीं मिला। आज शाम अपनी कव्वाली का स्पेशल प्रोग्राम है, उसके लिए मैं तुम्हें दावत देने आया हूँ। ये लो तुम्हारा कार्ड, भाई जान आओगे ना? अरे ऑफ कोर्स आएगा यार, तेरा कव्वाली हो और अपुन ना आए? तेरा टिकट विकेट बिकला है कि नहीं? नहीं तो अपुन को बोल, अपुन फटाफट भेज डालेगा। अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल हाउसफुल है भाई जान। अरे वेरी गुड वेरी गुड, मगर कव्वाली में तशरीफ जरूर लेके आना। तो घूमती टिकट ब्लैक में मत भेज देना, बहुत डिमांड है। क्या ऐसा? क्या ऐसा? माजी आप? तो अकबर है बेटे? हाँ मैं अकबर हूँ माँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा उस दिन तूने खून देकर मेरी जान बचाई, मैं और कुछ तो नहीं दे सकती, अपनी शुभकामनाएं देने आई हूँ। ये तेरे लिए फूल ले आई हूँ। ले अपने हाथों से ये फूल मेरी कलाई पर बांध, और माँ तेरी दुआएं साथ रही तो इंशाल्लाह आज भी कामयाबी मेरे कदम चूम करेगी। बेटा भगवान तुझे कामयाबी दे। चला माँ तेरे लिए। सुनो एक टिकट मिलेगी? कोई टिकट नहीं माई, सब खत्म हो गई। अच्छा सुनो भाई, अरे सुनो भाई एक टिकट मिलेगी। नहीं माँ जी कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं। अरे भाई एक टिकट मिलेगी। अरे माई तुम इधर गर्दी में क्या करता है? तुम कौन हो? अरे अपुन एंथनी, एंथनी गोंसाल्वेस। बेटा तू? हाँ, तुम इधर क्या करता है माई? अकबर को फूल देने आई थी, सुना है बहुत अच्छा गाता है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। ऐसा क्या, तो चलो ना अपन तेरे को लेके चलता है। चल। लेकिन ये लोग बोलते हैं टिकट खत्म हो गई।
टिकट खलास हो गया? अरे कोई वादा नहीं माई, अपन के पास देखो स्पेशल पास है, हाँ? तुम इधर टिकट पे बैठ जाना, अपन तेरे पांव के पास नीचे बैठ जाएगा। चल हाँ चल, बाजू हटे भाई बाजू। यस सर। आजकल हाईवे पर एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती, बाद में वो और उसके साथी उसको लूट लेते हैं। लड़की? हाँ, ये एक फोटोग्राफर है, आज ये उसका शिकार बन गया, लेकिन जाते जाते इसने उस लड़की का फोटोग्राफ ले लिया। देखिए, किसी ने मेरा पर्स मार दिया, पर्स में जाने तक के पैसे नहीं है, आप मुझे अगली क्रॉसिंग तक लिफ्ट दे सकती हैं प्लीज? आइए बैठिए। थैंक यू। आप रहते कहाँ हैं? अपने एक नहीं, बहुत सारे घर हैं, कोरिवली, कांदिवली, चांदिवली, लालबाग, भिंडी बाजार, और भी कई घर हैं। कहिए तो आपके घर चलने को भी तैयार हूँ। इरादा तो नेक है लेकिन घर नहीं। आदमी समझदार लगते हो, चलिए जगह मैं बताती हूँ। लेकिन अगर पुलिस आ गई तो? बहुत डरते हैं आप। जी हाँ, मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ पुलिस नहीं आएगी। तो ठीक है, चलो इसी बहाने वो जगह देख लें जहाँ पुलिस नहीं आती। आइए ना। यहाँ आइए तो सही, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ आइए। ए, क्या कर रही हो? निकाल सारे पैसे वरना शोर मचाऊंगी कि ये आदमी मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे ये क्या बदतमीजी, निकालता है या शोर मचाऊं? अरे मचाओ, शोर मचाओ, ये बात है। हाँ हाँ मचाओ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ बहन? ये आदमी मेरी इज्जत लूटना चाहता है। शक्ल सूरत से तो बड़ा शरीफ आदमी लगता है, ऐसी गंदी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे देखो, सूट बूट पहन के एक शरीफ लड़की की इज्जत लूट रहा है, मेरा ख्याल से पुलिस स्टेशन ले चलते। चला पुलिस स्टेशन। एक मिनट, पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है क्या? मामला यही पटा दीजिए ना। तो फिर ठीक है, जितना माल है वो निकाल दो, मैं मामला यही पटा देता हूँ। ये लो। पुलिस भागो। सबको गिरफ्तार कर लो। तुम भागी नहीं, तुम्हें गिरफ्तार होने का ज्यादा शौक है क्या? गिरफ्तार ही कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, जिल्लत की जिंदगी से तो छुटकारा मिलेगा। क्या ये काम तुमसे जबरदस्ती करवाया जाता? मैं यतीम हूँ,
एक बूढ़ी दादी के अलावा मेरा कोई नहीं, मेरा सौतेला भाई और सौतेली माँ मुझसे ये काम करवाते हैं, मारते हैं, भूखा रखते हैं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, या किसी भी तरह जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा दे दीजिए। अच्छा हो मेरे साथ। मामा भैया को पुलिस पकड़ के ले गए। क्या कहा? मेरे बेटे को फंसा कर तू यहाँ भाग रही है? इसीलिए तो कहती थी मुझसे जबरदस्ती ये काम मत करवा। मुझसे जबरदस्ती ये काम मत करवाया करो। जानती तेरे बाप ने तेरा नाम लक्ष्मी क्यों रखा था? ताकि जब जिस वक्त तुम इस घर में कदम रखो लक्ष्मी लाया करो। खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है? जाओ किसी भी हालत में उसको छुड़ा के ले आओ। कैसे छुड़ा के लाऊं? मेरे पास जमानत के लिए पैसे भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, तो किस तरह लाएगी पैसे, क्या करेगी, झट पट कुछ भी कर। जमानत के पैसे? अबे ओ बुढ़िया, अबर में टांगे लटकाई बैठी हो लेकिन जेवर का शौक अभी तक नहीं गया। चल निकाल इन्हें जल्दी से। नहीं, ये मैंने लक्ष्मी के ब्याह के लिए रखे, तुम्हें नहीं देंगी, तुम्हें नहीं देंगी, नहीं देंगी। अगर लक्ष्मी जैसी लड़कियों की शादी होना शुरू हो जाए तो कोठों पे ताले लग जाएंगे। चल बुढ़िया चुपचाप निकाल के दे रहे, अच्छी तरह से निकाल के दे रहे या कानों के समय छीन लेंगे। अरे चल, अरे आई छुड़ाने वाली। सब सुन लिया है मैंने, छोड़ दो इन्हें। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर अमर खन्ना। क्या पुलिस? तुमने इनको बुलाया है? तुम्हें जेवर पहनने का बहुत शौक है ना? इससे अच्छे जेवर और कौन से मिलेंगे? क्या आप क्या कर रहे हैं साहब? आपको गलत फहमी होगी बेटी, तुम ही इनको समझाओ ना, हम इनसे चार आदमी है, आप इनसे पूछिए ना हम इनको कितना प्यार करते हैं। माँ जी आप ही समझाइए ना। मैं सब समझ चुका हूँ, ले जाओ इसे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या धोखेबाजी है मेरे साथ, मैं सबको देख लूंगी। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा।